हंसा पहला शब्द टॉयलेट 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 अभी दूसरा शब्द अभी दूसरे शब्द का करी दूसरा शब्द एक है तो एक का इशारा कैसे करूं एक और ना इशारा दूसरे शब्द का पहला शब्द टॉयलेट अच्छा दूसरे शब्द का इशारा कौन ये फिर से पहले शब्द का इशारा कर रहा है जिद्दी हिमांशु जिद्दी हाय लॉट हंसा भाभी लाइट चली गई अच्छा अरे हाँ देख रात भी हो गई है भी हम डम शरारत कैसे खेलेंगे जय श्री आसपास की बिल्डिंग्स में तो लाइट है तो एक काम करते हिमांशु आसपास की बिल्डिंग में जाके डम शरारत खेलते हैं चलो 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 रुको रुको नालायको पहले पता तो लगाए कि हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है हाँ बाबूजी मैं हूँ ना मैं अभी पता लगाता हूँ लगा हेलो हेलो बिजली की ऑफिस रॉन्ग नंबर क्या रॉन्ग नंबर है भाई साहब रॉन्ग नंबर होता तो आप उठाते थोड़ी अरे उसे थोड़ी पता है कि रॉन्ग नंबर है बाबूजी उसी ने मुझे बताया कि रॉन्ग नंबर है देखिए हमारे घर की लाइट चली गई है तो आप किसी को भेज दीजिए भाई साहब ये बिजली की ऑफिस नहीं है तो किसकी ऑफिस है दुकान है साड़ियों की दुकान अच्छा लेकिन इतने अंधेरे में साड़ियों की डिजाइन दिखेगी कैसे मेरी दुकान में लाइट है हाँ लेकिन भाई साहब अगर मुझे हंसा के लिए साड़ी खरीदनी हो तो इतने अंधेरे में हंसा साड़ी की डिजाइन कैसे देखेगी या तो बिल्कुल अंधेरा है भाई साहब अगर हंसा को साड़ी खरीदनी है तो यहाँ आना पड़ेगा ना उससे हाँ लेकिन भाई साहब हंसा वहाँ तक आएगी कैसे यहाँ हम दो कदम भी नहीं चल सकते इतना अंधेरा है इसीलिए कह रहा हूँ आप आदमी भेज दीजिए यहाँ ये बिजली की ऑफिस नहीं है आप बिजली की ऑफिस में फोन कीजिए मैंने वहीं लगाया था फोन भाई साहब बीच में आपने उठा लिया क्या हो फोन कट कर दिया फिर से लगा हेलो बिजली की ऑफिस अरे ये साड़ियों की दुकान है लेकिन भाई साहब इतने अंधेरे में साड़ी दिखेगी कैसे फूल कहते हैं फोन रख मैं ही जाके देखता हूँ फ्यूज बॉक्स में जाओ जाओ बाबूजी बाबूजी वहाँ से मत आइए वहाँ मिर्ची गिरी है मिर्ची की बोतल टूटी थी ना अच्छा आप वहाँ से आइए हाँ ठीक है ठीक है कांच वहाँ गिरा था क्या हुआ बाबू अरे जयश्री नालायक एक तो मुझे दिखाई नहीं देता है तो चश्मे पहन लीजिए ना अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है मूंछों वाले हंसा चश्मे पहनूंगा तो भी नहीं दिखाई देगा हाँ लेकिन समझो अगर बाबूजी लाइट आ गई तो तब तो फ्यूज बॉक्स देखने के लिए चश्मे लगेंगे ना लेकिन लाइट आ गई तो फिर फ्यूज बॉक्स देखने की क्या जरूरत है गधे पर अभी तो जरूरत है ना अभी कहा लाइट आई है अरे जयश्री थोड़ा जहर दे दे मुझे अभी अंधेरे में मैं जहर कहाँ ढूंढूंगी आप भी ना बाबूजी बड़ी बहन जिंदा जी फिर से फोन लगाया ना बिजली की ऑफिस में हिमांशु जितनी बार भी लगाया साड़ी की दुकान में ही लगता है चल फिर से ट्राई करता हूँ हेलो साड़ी की दुकान नहीं बिजली की ऑफिस देखा फिर से रॉन्ग नंबर बाबूजी ये लीजिए सर अरे जयश्री बेटी थोड़ी हल्दी दे दे और मुश्किल से मैंने जहर ढूंढा तो आपको हल्दी चाहिए और हल्दी कहाँ से ढूंढूं मैं अरे बाबूजी आप तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए अरे बेटा वो मुझे थोड़ी पैर में लगा इसलिए हल्दी चाहिए हेलो बिजली की ऑफिस जयश्री क्या खबर खबर में तो हमारे घर की लाइट चली गई है लाइट चली नहीं गई है आपकी लाइट काट दी गई है बिल नहीं भरा है आप लोगों ने हमारे घर की लाइट गई नहीं है तो काटी है क्यों क्योंकि हमने बिल नहीं भरा है अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैंने मेरे प्रफुल्ल को कहा था बिल भरने को प्रफुल्ल चलिए भाई साहब चलाइए फास्ट चलाइए बाबूजी आ रहे हैं फटाफट चलाइए
रुक रुक राक्षस, मेरा सबसे बड़ा पाप, रुक, तुझे तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। अरे पर बाबूजी मेरा कसूर क्या है? मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि हमारा बिजली का बिल 40,000 पहुंच गया है, तो प्रफुल्ल ये ले 40,000 और जाके भर के आ। हाँ, तो? तो क्या तो बाबूजी, मैं भर के आया तो हूँ, देखिए पेट। अरे प्रफुल्ल, ये लॉन्ड्री का बिल है, लॉन्ड्री का। हाँ, पर बाबूजी मैं तो बिजली का बिल समझ के भरने गया था ना। अरे लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या क्यों बाबूजी, आप ही ने तो मुझे कहा कि प्रफुल्ल वो देख बिजली का बिल पड़ा है लॉन्ड्री के बिल के नीचे, वो ले जा और भर के आ बिजली के ऑफिस में। तो मैंने ले लिया लॉन्ड्री का बिल। वो बिल मतलब बिजली का बिल, बिजली का बिल प्रफुल्ल का दे, बिजली बिजली। बाबूजी जरा डरिए, ऊपर वाले भगवान से डरिए बाबूजी, आपने वो बिल ऐसा कहा था, यूं 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 बिजली का बिल तो कहा ही नहीं था। चल भाई मेरी गलती, लेकिन इतना तो सोच बेटा कि बिजली के ऑफिस कोई बिजली का बिल लेके ही जाएगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा दोस्त विपुल तो होटल का बिल लेकर गया था बिजली के ऑफिस में, क्योंकि बिजली के ऑफिस वालों ने खाना मंगाया था विपुल की होटल से बाबूजी। हेलो बा, जय श्री। कुत्ता ढूंढ रही हूँ, बाकी खबर में तो हाँ बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए बिजली काट दी। बराबर, प्रफुल्ल भैया ने नहीं भरा, हाँ बाबूजी ने फिर से काम प्रफुल्ल भैया को सौंपा, अभी आ रहे होंगे मारते मारते। चल आ गए। क्या कहीं का, चल बाबूजी रोटी। अरे कुत्ते को खिलानी थी बाबूजी, बाथरूम में गिर गई थी। प्रफुल्ल कहते चल लॉन्ड्री की दुकान पर जा और वहाँ जो 40,000 रुपए दिए थे ना उसमें से 39,000 रुपए वापस लेके आ। 39,000? हाँ। पर बाबूजी मैंने तो उस लॉन्ड्री वाले को 5,00,000 रुपए दिए। 5,00,000? क्यों क्यों क्या क्यों बाबूजी, क्यों क्या क्यों? मैंने जब उसे 500 का नोट दिया तो उसने मुझे ये बिल दिखा कर कहा कि भाई साहब ये 500 का एक नोट क्या दे रहे हो, 1,000 देने। तो क्या तो बाबूजी, मैंने उसी वक्त 500-500 के 1,000 नोट निकाल कर उसे दे दिए। प्रफुल्ल का दे 1,000 रुपए देने थे, 1,000 नोट नहीं। रहन दीजिए बाबूजी, मैंने जब उसे 5,00,000 रुपए दिए तो लॉन्ड्री वाले ने तो मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उल्टा वो तो 5,00,000 लिख कर बहुत खुश हुआ, थैंक यू कहा मुझे और मुझे टैक्सी में घर तक छोड़ने आया। हाँ पेट पकड़ कर वो हंस क्यों रहा था ये मेरी समझ में नहीं आया। ओ, मैं समझाता हूँ, गेट आउट। क्या? गेट आउट। तो गेट आउट ही है बाबूजी। देखिए आपको तो सच मुझ कुछ भी नहीं आता। मेरे घर से निकल जाओ तुम लोग, निकलो। अरे बाबूजी आप हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। एक पैसा कमाने की औकात नहीं है प्रफुल्ल की और लाखों गवाता रहता है, गधा निकम्मा। अब ऐसे कुछ भी मत बोलिए, मेरे प्रफुल्ल का काम देखकर तो सब खड़े हो जाते हैं। इसका काम देखकर ये वृद्ध मरीजों की सेवा कर रहे थे ना जीजा जी, तो जो मरीज चल नहीं पाते थे वो भी खड़े हो गए थे जीजा जी को देखकर। इसे देखकर तो लाश भी खड़ी हो जाए। याद रखना प्रफुल्ल, 1 महीने में 1,00,000 रुपए कमा के नहीं आया तो इस घर में पांव मत रखना, निकलो निकलो। बाबूजी दरवाजा खोलिए बाबूजी, दरवाजा खोलिए बाबूजी। क्या किसी को पता नहीं चलेगा बाबूजी हम कहाँ जाएंगे, इस घर के सिवाय हमारे पास कोई यात्रा नहीं है। मैं तो अभी से थक गई भैया। बाबूजी जरा सोचिए इस हालत में हंसा को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, हंसा का पांव भारी है बाबूजी। मजूरी में? अरे हाँ हिमांशु, आज मैं गार्डन में बहुत देर तक चली, 2 मिनट मेरे पांव भारी हो गए। ओहो। एक महीने में 1,00,000 रुपए प्रफुल्ल, वरना भूल जाना कि मैं तेरा बाप हूँ। बाबूजी वो तो मैं घर में रहकर भी भूल सकता हूँ। उसके लिए 1,00,000 रुपए कमाने की क्या जरूरत है? 1 महीने में 1,00,000 रुपए।